कोरोना कहर के बीच में चिकित्सा कर्मचारी भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसमें जयपुर के एसएमएस अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल हैं। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए चिकित्सा उपकरण होना जरूरी है। इस कड़ी में अस्पतालों को सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि जयपुर के जनाना अस्पताल में राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच की ओर से कर्मचारी और मरीजों के लिए मास्क वितरित किए गए और सभी कर्मचारियों का इस पर आभार भी व्यक्त किया गया। देखिए ऐसा है, हमारी सरकार जो दे रही है मास्क, वो कुछ तो N95 मास्क भी दे रही हैं और कुछ ट्रिपल लेयर मास्क भी हैं, दोनों ही तरीके के हैं। जितना जहाँ पे रिस्क है उसी के अकॉर्डिंग हम उन मास्क को जो है अपने स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मास्क की आवश्यकता हमारे इस अस्पताल में कुछ ज़्यादा ही है। मैं ये राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने हमारे ऐसे समय में, जबकि मास्क की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने 500 मास्क हमें देके और बहुत हमारा एक तरह से उपकार किया है। यही कह सकती हूँ मैं कि सब हमारे बहुत काम आएंगे, धन्यवाद। ये सर हमारे सद्धर्म संघ की जो अध्यक्षा हैं, अखिल भारतीय धर्म संघ की डॉक्टर कल्याणी चैतन्य अम्मा जी हैं, उनकी प्रेरणा से ये हमारी राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच की टीम ने यहाँ पे हॉस्पिटल में मास्क वितरित किए हैं, जो कि अभी COVID-19 की वजह से अभी काफ़ी आवश्यकता है इस चीज़ की, तो सैनिटाइज़र वगैरह भी, और तो यहाँ पे मास्क वितरित किए।